हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द लॉजिक मिनट्स। सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अगर देश और दुनिया भर के टॉप 5 खबरें आपको रोजाना चाहिए तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए। डेली शॉर्ट्स 1। व्हाट्सएप ने बैन कर दिए हैं 2 मिलियन इंडियन अकाउंट्स 15 मई से 15 जून के बीच में, जो कि बल्क मैसेजिंग, अनऑथोराइज्ड मैसेजिंग या तो स्पैम मैसेजिंग करते थे। इन अकाउंट्स का कंट्री कोड इंडिया पाया गया था। व्हाट्सएप ने ग्लोबली 8 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया है। इंडिया में व्हाट्सएप के 530 मिलियन यूजर्स हैं। पिछले महीने व्हाट्सएप को यानी कि 15 मई से 15 जून तक 345 कंप्लेंट्स आए, जिनमें से 204 कंप्लेंट्स का बोलना था कि उन व्हाट्सएप अकाउंट्स को बैन किया जाए, और उनमें से 63 अकाउंट्स के अगेंस्ट में व्हाट्सएप ने एक्शन लिया है। डेली शॉर्ट्स 2। MMRDA अब बना रहा है इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल, जो कि बोरीवली और थाने को लिंक करेगा। ये टनल संजय गांधी नेशनल पार्क से होके गुजरेगा, जो कि थाने के टिकू चीनीवाड़ी और बोरीवली के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करेगा। ये टनल 11.8 किलोमीटर लंबा होगा और इसका कॉस्ट होगा अराउंड 11,235 करोड़। इस टनल की वजह से बोरीवली और थाने की दूरी एक घंटे से घटकर अब 20 मिनट हो जाएगी, और इस प्रोजेक्ट से 36% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कमी होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 16.54 हेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लैंड लगेगा और 40.46 हेक्टर ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क का लैंड लगेगा। डेली शॉर्ट्स 3। केरला में जायका वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 14 केसेस थे, फिर वो 19 केसेस हुए, अब टोटल केसेस की टैली हो चुकी है 28। डेली शॉर्ट्स 4। यूएस ने फिर से चाइना में बैन लगाया है। यूएस के सेनेट ने बिल पास किया है कि चाइना के जिनजियांग शहर से कोई भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि चाइना उइगुर मुस्लिम्स को ऐसा फोर्स लेबर यूज करके उन प्रोडक्ट्स को बनाती है। इस बात पर चाइना के स्पोक्स पर्सन जाओ का कहना है कि यूएस नहीं चाहते कि चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में कोई डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी हो, वो जिनजियांग के लोगों की एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं। डेली शॉर्ट्स 5। बार्सिलोना में फर्स्ट क्रिकेट पिच बनाया जा रहा है। इसका कॉस्ट होगा अराउंड 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स। बार्सिलोना में लार्ज पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी से वहाँ पे अराउंड 400 क्रिकेटर्स है, जो कि 25 मेंस और वुमेन्स के टीम में डिवाइड किए गए हैं। ये स्टेडियम ठीक बार्सिलोना के ओलंपिक स्टेडियम के बाजू में बनाया जाएगा। आज के हमारे डेली शॉर्ट्स यही खत्म होते हैं। ऐसे ही रोज कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और लगे हाथों चैनल को फिर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं कल के डेली शॉर्ट्स में।